Hello students, this video is for class 7 science and this is the second video of chapter 14. As you know, the name of the chapter is winds, storms and cyclones. In the first part, we studied about the air, composition of air, how the wind is formed and different kind of characteristics of air, etc. So here in this video, we are going to study about these things. First is understand wind currents are generated due to uneven heating on the earth. So in this video हम पढ़ेंगे wind currents के बारे में, वो कैसे बनती हैं, और we will study how the wind measurement takes place, like कैसे हम wind का direction measure करते हैं, उसकी speed कैसे measure करते हैं, that we will study. And we will see about the thunderstorm, cyclones and tornadoes as well. So let's begin. The first point of this video is how wind is formed. Wind कैसे बनती है? तो previous video में हमने ये देखा था कि wind क्या है? Wind is moving air. मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. व्हेन एयर कम्स इनटू द मोशन इट इज़ कॉल्ड विंड, राइट. सो विंड जो है एयर के मोशन में आने से बनती है. जब एयर मूव करती है तो उसी मूविंग एयर को हम मोशन कहते हैं. लेकिन अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि कैसे एयर कैसे मूव करती है, ठीक है, कैसे विंड बन जाती है, कैसे एयर में मूवमेंट आता है. तो उसका आंसर है कि विंड इज़ फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और विंड फॉर्म्स व्हेन द सन हीट्स वन पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिफरेंटली देन अनदर पार्ट. इसका आंसर छुपा हुआ है सूर्य जी में, यानी कि सन में. आप जानते हो कि सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. तो जो सन से हीट मिलता है वो हीट अर्थ के सरफेस तक आता है, और कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा, राइट. ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, ड्यू टू द अनइवननेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लैंड एंड ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ, ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो सन का हीट है वो हर जगह बराबर नहीं पड़ता है, है ना, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा. तो जो अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के सरफेस की, यही क्या करती है, विंड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ वी विल सी हाउ. इन द प्रीवियस वीडियो हमने एयर का एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? दैट एयर बिकम्स लाइटर ऑन हीटिंग एंड इट राइजेज अप, इट एक्सपैंड. हमने ये पढ़ा था कि जब हवा गर्म होती है, एयर गर्म होती है, तो वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, राइट. हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम एयर को वार्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है, और उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, दे गेट एक्साइटेड, दे गेट एनर्जाइज्ड, और फिर वो उनमें बहुत फास्ट मूवमेंट होने लगती है और वो ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं. तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब सन का हीट कि एयर पर पड़ता है, ठीक है, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले सन जो है वो लैंड को, वाटर को वार्म अप करता है ना. तो जब लैंड वार्म अप होता है, गर्म होता है, तो फिर थोड़े देर के बाद ये उस हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है. तो सपोज़ करिए कि सन से हीट वार्म अप हो गया, गर्म हो गया, और फिर इसने थोड़ी देर बाद क्या किया कि हीट को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया. तो इस जगह पर जो एयर होगी वो उस हीट को कैप्चर करेगी, राइट, और उसके मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और मूवमेंट उनमें होने लगेगी फास्टर एंड फास्टर, और वो वहाँ की जो एयर होगी वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी. और आप जानते हैं कि हॉट एयर जो होती है इट स्टार्ट्स टू राइज, तो ये यहाँ से अपनी प्लेस को छोड़कर ऊपर उठने लगेगी. तो जब ये यहाँ से हवा ऊपर उठने लगेगी तो इस जगह का जो, इस पर्टिकुलर प्लेस का जो प्रेशर होगा, इट विल बिकम लो.
ड्यू टू द राइजिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट दिस प्लेस द एयर प्रेशर विल बिकम लो. तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाएगा, है ना. और एट द सेम टाइम उसके अगल बगल का जो एरिया है जहाँ पर एयर जो है वो ठंडी है, कूल है, तो आप जानते हैं कि जो कूल एयर होती है वो सिंक करती है, वो भारी होती है ना, हैवी होती है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स. तो जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा इस प्लेस पर, तो यहाँ की एयर ऊपर जाएगी, तो उस लो प्रेशर एरिया को टेकअप करने के लिए अगल बगल से, उसके चारों ओर से जो ठंडी हवा होगी, जो ठंडी एयर होगी, जो एयर होगी वो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मूव करेगी, है ना. तो यहाँ पर जहाँ पर कोल्ड एरिया होगा वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो एयर मूव अप हुई नहीं है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया. और जिस जगह पे एयर वार्म हो गई है वहाँ से वो ऊपर उठ गई है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा. तो इस तरीके से आफ्टर दैट द एयर विल स्टार्ट टू रश फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ओके. एंड अब ये एयर मूव करने लगेगी और इसी मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट विंड. हम इसी एयर की मूवमेंट को विंड कहते हैं. तो दैट्स हाउ विंड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है विंड करंट. तो विंड करंट को भी हम समझ लेते हैं. विंड करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विंड करंट बोलते हैं, ठीक है. विंड करंट हॉरिजॉन्टल भी चलता है और वर्टिकल भी चलता है. तो हमने विंड करंट के बारे में समझ लिया. नाउ विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो विंड करंट्स हैं वो कैसे जनरेट होता है, किस वजह से, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. तो अब इस अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ को हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे बाई दिस टॉपिक, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस, है ना, 23.5 degrees. इट इज़ नॉट, इट्स एक्सिस इज़ नॉट वर्टिकल स्ट्रेट बट इट इज़ टिल्टेड. तो अर्थ के टिल्ट होने की वजह से, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से जो सन की रेज हैं वो अर्थ पर अनइवन पड़ती हैं, है ना. तो जो ये इक्वेटर होता है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ हमारा अर्थ होता है, वहाँ पर सन की जो रेज होती हैं इट हिट्स नियरली स्ट्रेट ऑन इट. तो ये स्ट्रेट हिट करती हैं तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है इन कंपैरिजन टू द पोल्स, है ना. जो पोलर एरिया है वहाँ पर जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है. तो वहाँ पर जो वार्म्थ है वो कम हो जाता है ना. तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि अनइवन हीटिंग कॉज हो रही है. यहाँ पर ज़्यादा हीट, ठीक है, ज़्यादा हीट मिल रहा है इस पार्ट ऑफ अर्थ को, और पोल्स पोलर एरिया में जो है वो हीट जो है वो अर्थ को कम मिल रहा है. तो इस वजह से देखिए अनइवननेस ऑफ हीटिंग हो गया है. यहाँ पर जो एरिया होगा वो गर्म होगा इन कंपैरिजन टू द पोल्स. तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ. तो देखिए जो इक्वेटर वाला एरिया है वो गर्म होगा तो वहाँ पे जो एयर होगी वो भी वार्म अप होगी, है ना, और वो राइज इन अप करेगी और वो राइज होगी, और जब राइज होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बिल्ड होगा, राइट. और आप जानते हैं कि पोलर एरिया में जो है वो सरफेस ठंडा होता है, वहाँ पे कम लाइट हीट रेज पहुँचती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा, यहाँ की एयर जो होगी वो क्या होगी, कूलर होगी, है ना, ठंडी होगी. तो जैसे ही ये इक्वेटर से एयर वार्म होकर ऊपर जाएगी तो उस एरिया में लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, और उस एरिया को टेकअप करने के लिए पोलर एरिया से जो है, देखिए पोलर एरिया से जो विंड करंट है वो इक्वेटर की तरफ आएगी.
है ना? यस, तो इस तरीके से पोलर एरिया और इक्वेटर एरिया के बीच में विंड करेंट्स जो हैं वो चलती हैं। नाउ वी विल सी अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर लैंड भी है और वाटर भी है। आप जानते हैं कि 70% तो वाटर ही है, है ना, 75% और 25% सिर्फ लैंड है। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में आप जानते हैं कि जो लैंड होता है वो जल्दी से हीटअप हो जाता है, ठीक है, जो सॉयल होती है ना वो जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फास्टली हीटअप हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं पे वाटर की बात करेंगे तो वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटअप, ठीक है, पानी को गर्म करने में ज़्यादा समय लगता है, ओके। एंड इस वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर दैन दैट ऑफ वाटर। इसीलिए अर्थ पे क्या होता है, ज़्यादातर समय जो लैंड आपका होता है वो वार्म होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर। तो इससे क्या होता है कि द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। तो जो ज़मीन पे जो एयर होगी वो गर्म होगी, है ना, और लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी, और उस जगह पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और उस एरिया को फिलअप करने के लिए ठंडी हवा कहाँ से आएगी, फ्रॉम द वाटर। पानी के ऊपर की जो हवा है जो ठंडी है और जो भारी है वो क्या होगी, उस जगह को टेकअप करने के लिए रश करेगी, ठीक है। और इस विंड को हम कहते हैं मानसून विंड, ठीक है। तो क्योंकि ये हवा जो है, ये जो एवेंट करंट है, ये पानी के ऊपर से आती है तो ये अपने साथ क्या लेकर आती है, पानी भी लेकर आती है। इट कैरीज मॉइस्चर एज वेल। तो वो हवाएं जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और बारिश करवाती हैं, ठीक है, बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द समर, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द समर क्या होता है कि ये जो इंडियन ओशन से मॉनसून विंड जो होती हैं वो चलती हैं इंडिया की तरफ, देखिए। और गर्मियों में आप जानते हैं ना कि बारिश होती है, ये हवाएं पानी लेकर आती हैं और गर्मियों में इंडिया में बहुत सारी नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया में क्या करती हैं, पानी बरसाती हैं। और विंटर में क्या होता है कि यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ से हवाएं जो होती हैं वो इंडियन ओशन की तरफ आती हैं और विंटर में भी थोड़ा सा पानी हमें देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन। मॉनसून जो होती हैं वो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि राजस्थान का जो एरिया है वो वहाँ पर जब राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो वहाँ की एयर जो होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और राजस्थान के बगल में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो इंडियन ओशन है वहाँ से जो विंड है, विंड करेंट है, वो ओशन से पानी लेकर इंडिया में एंटर करता है और बारिश करवाता है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन समर मॉनसून फॉर देयर हार्वेस्ट। जो हमारे किसान हैं वो मॉनसूनी विंड पर डिपेंड करता है उनका फार्मिंग। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज़ रिवर्स, फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समर में जो विंड करंट है वो ओशन से लैंड की तरफ जा रहा है और विंटर में जो विंड करंट है वो लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है, तो ये रिवर्स हो जाता है। Now we will talk about wind measurement. We will see how the direction and speed of wind is measured. A device that measures the direction of wind is called wind vane. आप जानते हैं कि हवा एक direction में blow करती है, तो उसका क्या direction है ये जानने के लिए हम जिस device का इस्तेमाल करते हैं उसे हम wind vane बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो this simple arrow like structure is wind vane. ये जो arrow आपको दिख रहा है यही wind vane कहलाता है, और नीचे आप directions देख सकते हैं। The first wind vane was invented by a Greek astronomer Andronicus in 48 BC in Athens. In this wind vane, the arrow tells about the direction of the wind. Now we will see
The instrument that measures the wind speed is called as anemometer. जिस डिवाइस से हम विंड की स्पीड मेज़र करते हैं उसे हम एनीमोमीटर कहते हैं. एनीमोमीटर जो है वो कई तरीके का हो सकता है. ये एक बेसिक टाइप का एनीमोमीटर है और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं. देयर आर फोर कप्स. ओके, और ये जो कप्स हैं ये फ्रीली रोटेट करते हैं. दे रोटेट और इनका जो रोटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्पीड ऑफ द विंड. ये जितनी तेज़ी से रोटेट करेंगे उतना विंड का स्पीड ज़्यादा होगा, और ये जितने धीरे धीरे रोटेट करेंगे वो आप समझ जाएंगे कि स्पीड विंड की कम है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ इंडिया विच आर हॉट एंड ह्यूमिड. थंडर स्टॉर्म्स कहाँ पर आते हैं? जो एरिया गर्म और ह्यूमिड होता है, मॉइस्चरस होता है. थंडर स्टॉर्म इज़ अ स्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड थंडर. ठीक है, स्टॉर्म मतलब कि एक तूफान जो है वो उसमें लाइटनिंग और थंडर दोनों होता है. ठीक है, थंडर में क्या होता है कि आपको एक बहुत ही टेरिबल सी आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम बादल का गरजना बोलते हैं, और लाइटनिंग यू सी द स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई. राइट, इट यूजुअली प्रोड्यूसेस गस्टी विंड्स. इसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, हैवी रेन्स, बहुत तेज़ हैवी बारिश होती है, और समटाइम्स हेल, और कभी कभी इसमें बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं. थंडरस्टॉर्म कैन अकर राउंड द ईयर एंड ऑल द टाइम इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ. थंडरस्टॉर्म साल भर आते रहते हैं और कुछ जगहों पे तो हर वक्त, हर मतलब हर सीज़न में ही आते रहते हैं. बट दे आर मोस्ट लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड इवनिंग इन द समर एंड स्प्रिंग सीज़न. लेकिन ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो गर्मियों में और स्प्रिंग के सीज़न के समय में आते हैं, और मोस्टली कब आते हैं? दोपहर यानी कि आफ्टरनून में और शाम इवनिंग में. Now we will see what causes a thunderstorm. तो thunderstorm किस वजह से होता है? Let's see. Thunderstorm जो होते हैं वो hot and humid tropical areas में आते हैं. ठीक है, तो जो area hot and humid है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और जहाँ पर humidity ज़्यादा है, तो वहाँ पे temperature बढ़ने से क्या होता है कि warm और जो moist air है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है ना. जब हवा गर्म होगी तो और moisture भी उसमें है और वो गर्म हो रही है तो वो ऊपर की तरफ rise करने लगेगी, है ना, और ऊपर जाकर वो cloud का formation करेगी. ठीक है, इट विल मेक क्लाउड. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा. तो अब ये क्लाउड जो है बहुत ऊपर जाएगा और इसमें टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, नियर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. एंड जब इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये क्लाउड क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेट होने लगेगा. इट मीन्स इसमें जो मॉइस्चर था उस, ये क्लाउड किससे बना है? उसी एयर से बना है जिसमें मॉइस्चर था, है ना. तो इसमें क्योंकि इस क्लाउड में मॉइस्चर है तो द रेनफॉल विल अकर, पानी बरसेगा. और क्योंकि ज़ीरो डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यहाँ पर आपको आइस के पार्टिकल भी, बर्फ के पार्टिकल भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए वाटर के ड्रॉपलेट नीचे आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, और क्लाउड्स जो है ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, रब करेंगे, है ना. दे विल कोलाइड विद ईच अदर. तो ये दोनों, बारिश और बर्फ और क्लाउड, ये सब आपस में कोलाइड करेंगे, और इनके कोलाइड होने की वजह से, टकराने की वजह से क्या होगा? लाइटनिंग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो इससे आपको लाइटनिंग दिखाई देगी, बिजली आपको चमकती हुई दिखाई देगी. कोलाइड होने की वजह से एनर्जी जनरेट होगी और वो स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी और ह्यूज स्पार्क दिखाई देगा, है ना. और कोलाइड की वजह से एक लाउड साउंड भी प्रोड्यूस होगा जिसे आप बादल का गरजना कहते हैं, और इस तरीके से थंडरस्टॉर्म कॉज होता है. तो आप कह सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म जो होता है ये भी अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की वजह से होता है. नाउ वी विल सी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग. थंडरस्टॉर्म बहुत ही जो है वो टेरिबल होता है और उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, तो इसमें हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है. टू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड और टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. देखिए हमें जब भी, अगर हम ओपन एरिया में हैं और थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो ज़मीन पर हमें लेटना नहीं चाहिए और ना ही हमें अकेले किसी पेड़ के नीचे छुपना चाहिए. जैसे बहुत ग्रुप
ऑफ अगर ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहाँ पर उसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर ओपन एरिया में एक इकलौता पेड़ है तो उसके नीचे आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लाइट होती है, लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली होती है, वो ऊँची चीज़ों पर ही गिरती है। तो वो ट्री क्योंकि ऊँचा होगा, अकेला होगा उस ओपन एरिया में, तो बिजली का गिरने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। टेक शेल्टर इन अ कार और बस, अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो उस फोर व्हीलर के अंदर आप शेल्टर ले सकते हैं। गो इनसाइड अ बिल्डिंग, बिल्कुल हमें तुरंत घर में चले जाना चाहिए, ओपन एरिया में नहीं रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन वाटर, मूव आउट ऑफ इट, अगर आप पानी में हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें वहाँ से दूर होना चाहिए। वी शुड कीप आवरसेल्फ ड्राई। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक रॉड, हमें छाता का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेटल होता है और बिजली को ये लाइटनिंग को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा स्टोरेज शेड नहीं यूज़ करना चाहिए जो ओपन हो, जैसे कि गैराज वगैरह है ना, और उस पर टिन शेड वगैरह होते हैं, तो वो टिन शेड मेटेलिक होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और बिजली गिर सकती है वहाँ पर। So that's all for this video. In the next video, we will talk about the cyclones and tornadoes. Thank you.